फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आप सभी लोगों का साइंस शिखा स्पेसिफिक चैनल पे स्वागत है। आज हमारा ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन का लेक्चर 5 है। आज इस वीडियो में हम लोग जो है एक प्लांट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम लोग PGR के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नेम है साइटोकाइनिन या फिर उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिन, के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग को प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आप लोग को जो है बताते हैं कि जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है उसका केमिकल नेम क्या है, कौन कौन से जो है नेचुरल साइटोकाइनिन है, कौन सा सिंथेटिक जो है साइटोकाइनिन है, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है हमारे प्लांट बॉडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्लांट हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं साइटोकाइनिन। हमारा पिछले लेक्चर में ऑक्सिन और जिब्रेलिन का जो है हार्मोन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा थर्ड हार्मोन है प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं काइनेटिन। जब भी हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनिन की, तो हर जैसे ऑक्सिन का भी जो है केमिकल नेम था, जिब्रेलिन का भी केमिकल नेम था, वैसे ही यहाँ पे साइटोकाइनिन का भी केमिकल नेम है। क्या है केमिकल नेम? 6-परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। ये जो है हमारे साइटोकाइनिन का केमिकल नेम है, जिसका नेम है 6-परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, जो कि एक सिंथेटिक जो है साइटोकाइनिन हार्मोन है। बात करेंगे हम नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन के, तो उसका नाम है जियाटिन। जियाटिन जो है एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, जो कि कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन टू द कोकोनट मिल्क एंड अनराइप मेज। जो भी हमारा कच्चा मेज होता है, पूरी तरीके से अभी मेच्योर नहीं हुआ रहता है, उसमें ये हमारा जियाटिन साइटोकाइनिन जो है फाउंड होता है, पाया जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द साइटोकाइनिन। ये तो बात हो गई केमिकल नेम और नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन और सिंथेटिक साइटोकाइनिन के बारे में। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द साइटोकाइनिन, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन का, वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ भी कह सकते हैं इसको, या फिर थिकनेस भी कह सकते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन वो प्लांट हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट। उसके बाद जो सेकेंड इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वो है सेल डिवीजन। ये इनिशिएट करता है सेल डिवीजन को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रोल कह सकते हैं या फिर फंक्शन कह सकते हैं। और तीसरा जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वो है सेल इलॉन्गेशन। फोर्थ है इनिशिएशन ऑफ द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे बात आई है, टर्म आया है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है, वो इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब हम लोग यहीं पे जो है इस टर्म को जो है डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, किसको कहेंगे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो हमारा दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो है, जो दो वास्कुलर बंडल को, या हम लोग कह सकते हैं जो दो वास्कुलर बंडल को आपस में जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो है जो कैम्बियम पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो हमारा जो ये साइटोकाइनिन या फिर काइनेटिन हार्मोन है, ये किसके फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है? इंट्राफेसिकुलर
कैम्बियम को। जो नेक्स्ट है इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फिर फिजियोलॉजिकल रोल है वो है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? मीन्स जो प्लांट के ऑर्गन है, रूट, शूट्स, लीव्स, उन पे जो है इसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर लो होगा और हाई काइनेटिन या फिर साइटोकाइनिन होगा तो वो किसको प्रमोट करेगा? हमारे सूट बर्ड को। अगर इसका जो है अपोजिट होता है, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन होता है और लो अमाउंट में साइटोकाइनिन होता है तो वो किसको प्रमोट करेगा? रूट के फॉर्मेशन को। अगर साइटोकाइनिन की अमाउंट हाई रहेगी और लो रहेगा ऑक्सीजन हमारा प्लांट में तो वो प्रमोट करेगा सूट बर्ड के फॉर्मेशन को। जो हमारा नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है काउंट्रैक्शन ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता था? जो भी लैटरल बर्ड्स थी उनको सप्रेस करके। यहाँ पे जो हमारा साइटोकाइनिन है इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन है, ये एपिकल डोमिनेंस को जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है, मीन्स उसका विरोध करता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स विरोध करना। यहाँ पे ये एपिकल डोमिनेंस को विरोध करता है, उसको एपिकल डोमिनेंस को एक भाषा में कह सकते हैं कि ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट नहीं करता है। तो ये इसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सबसे है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है डिले ऑफ सेंसेंस, या फिर इसको कहते हैं रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट। इसको जो है रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है और डिले ऑफ सेंसेंस के जो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को जो क्या होता है सेंसेंस, सेंसेंस के बारे में बताना चाहूँगी। सेंसेंस वो फिनोमिनन होती है जिसमें लीव्स अपने क्लोरोफिल को लॉस कर देता है, जो प्रोटीन होता है वो भी डिग्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से लीफ जो है वो येलो कलर की हो जाती है और प्लांट से टूट के नीचे गिर जाती है, फॉल डाउन कर जाती है या फिर शेड कर जाती है। उसी फिनोमिनन को हम कहते हैं सेनेसेंस। अब इसी जो है इफेक्ट को जो है हमारा साइटोकाइनिन का अगर जो है प्लांट पे स्प्रे कराया जाए तो ये सेनेसेंस की प्रोसेस को डिले कर सकता है। जो पत्ती कल गिरने वाली होगी वो पत्ती कुछ दिन के लिए और जो है वहाँ पे प्लांट पे अटैच होके रह सकती है, मीन्स डिले ऑफ सेनेसेंस। जो हमारा साइटोकाइनिन है या फिर काइनेटिन है ये सेनेसेंस को रोक देता है, मीन्स पत्तियों को प्लांट से टूटने से या फिर फॉलन डाउन को रोक देता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको एग्जामिनेशन में रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट के नाम से भी पूछा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट साइटोकाइनिन का इफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वो है इट्स ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड इनटू द मेनी प्लांट्स। ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये हमारे डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स को भी ब्रेक करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि डॉर्मेंसी क्या है, तो यहीं पे इसको क्लियर करते हुए चलें कि डॉर्मेंसी क्या है। अगर किसी सीड को वो सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए जिसको उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है, फेवरेबल कंडीशन के प्रेजेंट होने के बावजूद अगर वो सीड जर्मिनेट नहीं करता है तो उसको कहते हैं कि वो डॉर्मेंट सीड है, मीन्स वो सीड डॉर्मेंसी में चला गया है। तो उसी चीज़ को जो है ये साइटोकाइनिन का अगर वहाँ पे स्प्रे कर दिया जाए उस सीड पे तो उसकी डॉर्मेंसी को ये ब्रेक कर सकता है हमारा साइटोकाइनिन या फिर काइनेटिन हार्मोन। जो हमारा लास्ट फिजियोलॉजिकल बट नॉट द लीस्ट है वो है प्रोवाइड्स फ्लावरिंग इनटू द शॉर्ट डे प्लांट, जिसको हम लोग SDP के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो पिछली वीडियो, जो भी सारे स्टूडेंट हमारी जिब्रेलिन की पिछली वीडियो देखी होंगे वहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था कि जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है वो लॉन्ग डे प्लांट में जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, इनिशिएट करता है। लेकिन हमारा जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो फ्लावरिंग किस में इनिशिएट करता है? शॉर्ट डे प्लांट।
अब शॉर्ट डे प्लांट, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, जिसको लाइट फ्लावरिंग के लिए लाइट पीरियड की आवश्यकता, जो नीड होती है वो 10 घंटे से ज़्यादा की होती है। यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ पे फ्लावरिंग के लिए 10 घंटा से जो डे पीरियड होता है या फिर लाइट पीरियड कह सकते हैं, उसको कम की ज़रूरत होती है, तो उसी प्लांट को जो है हम लोग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें भी ये हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, इनिशिएट करता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को साइटोकाइनिन जो प्लांट रेगुलेटर है या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन है समझ में आएगा कि उसका केमिकल नेम क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन कौन से हैं, कौन सा नेचुरल साइटोकाइनिन है, जियाटिन किस में पाया जाता है, कौन कौन से उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो डिले ऑफ सेनेसेंस या फिर रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। Thank you.